अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं आपका अपना आदरिया रियाज कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक बार मौजूद हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 120 स्क्वायर यार्ड का एक ग्राउंड फ्लोर का मकान जो कि वेस्ट ओपन है। बट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मकान है ये फॉर सेल के लिए नहीं है, ये गुलशन मार में वाकई ये मकान है। इस ये मकान दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप को आइडिया हो जाए कि 120 स्क्वायर यार्ड का मकान हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। यानी कि ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना हुआ है और इसमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, यानी कि 15 डेज़ का काम बाकी है, 10 to 15 डेज़ का काम। बट बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं कि जब आप अपना घर बनाएं तो इन चीज़ों का आप अगर ख्याल रखेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। यानी कि आपकी टाइल बच सकती है, आपका फिनिशिंग अच्छे तरीके से होगी। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और उसे शेयर करें। आइए मैं आज आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो जनाब, 120 स्क्वायर यार्ड सिंगल स्टोरी ये मकान जो कि वेस्ट ओपन है, ये आप देख सकते हैं। इसके फ्रंट एलिवेशन पर स्टोन लगाया गया है। तकरीबन स्टोन जो है 2 इंची और 1.5 इंची का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से स्टोन और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेन गेट आप देख सकते हैं, 2 मेन गेट हैं। यानी कि एक छोटा गेट जो है जो स्टेयर्स की तरफ दिया गया है, वो इसलिए दिया जाता है कि इन केस कल को अगर आप घर ऊपर बनाते हो तो उसके लिए आपको दोबारा से तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जो माल मटेरियल होगा वो छोटे गेट से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, पूरी लेबर ऊपर जाएगी। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा कार पोर्च जिसके फ्रंट डोर पर नेट के डोर हैं और लकड़ी के दरवाजे दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 10 to 15 डेज़ का काम बाकी है, तो जो डोर हैं उसके ऊपर खूबसूरत सी पॉलिश की जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं घर के अंदर का मंज़र। तो जनाब, ये आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च, और टीवी लॉन्च के ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं। सिंपल सी ये फॉल सीलिंग है जो कि साइडों में बॉर्डर घुमाया गया, जिसकी वजह से ये छत जो है खूबसूरत लग रही है। ज़्यादा फॉल सीलिंग भी चीज़ को ख़राब कर देती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे हम टीवी लॉन्च में एंटर होते हैं, एक साइड पर खूबसूरत सा किचन दिया गया है जिसके नीचे टाइल लगाई गई है, वाइट कलर की टाइल है और ग्रेनाइट यूज़ किया गया है वाइट बॉर्डर के साथ, जो कि बहुत कम घरों में यूज़ किया जाता है। ये आप देख सकते हैं किचन, खूबसूरत सा किचन, और किचन के एक तरफ ये आप देख सकते हैं स्टोर टाइप का बनाया गया है बड़े से कैबिनेट देकर। कम जगह को यूटिलाइज़ करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, जो कि इस घर को बनाने में यूज़ किया गया है। तो जनाब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस घर में 10 to 15 डेज़ का काम बाकी है, तो आप देख सकते हैं कलर ऑलमोस्ट फाइनल है। बट जब हम लोग कलर फाइनल कर रहे होते हैं किसी भी घर में, या ये कलर वाले किसी भी घर में कलर फाइनल कर रहे होते हैं, तो लास्ट टाइम में ये लोग फिलिंग चेक करते हैं। या आप देख सकते हैं सामने फिलिंग चेक की जा रही है। पूरे घर में जो है एक तरफ पूरा बड़ा शॉपर बिछाया गया है और उसके ऊपर गत्ते रख दिए गए हैं। ये इसलिए कि नीचे की जो टाइल है काफ़ी टाइल कॉस्टली होती है, यानी कि 2x2 की टाइल अमूमन यूज़ की जाती है, जो कि आप मार्केट में जाओगे तो आपको 1350 रुपये मीटर से ऊपर की मिलती है। और इस वजह से इस टाइल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके ऊपर कुछ बिछा दिया जाए ताकि कलर वगैरह गिरे तो आसानी से साफ़ हो जाए। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम के ऊपर इन्होंने स्टोर बना दिया है, खूबसूरत सी अलमारी जिसके ऊपर ब्राउन कलर की खूबसूरत सी बड़ी बड़ी शीट्स यूज़ की गई हैं। कारपेंटर साहब ने घर में दिल से काम किया है, जो कि दिखाई दे रहा है किचन में और दरवाज़ों वगैरह में, अलमारी वगैरह में। ये आप देख सकते हैं पीछे का बाथरूम। सामने जैसे ही हम बाथरूम एंटर होते हैं, सामने की जो दीवार है उसके ऊपर बॉर्डर लगाया गया है, यानी कि मोटिफ यूज़ किया गया है। और ये आप देख सकते हैं बेसन और कमोड का ऑप्शन मौजूद है इस वॉशरूम में। बेसन जो है वो यूज़ किए गए हैं पोर्टर कंपनी के। अगर मैं पोर्टर कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप मार्केट में जाओगे तो 15 से 16 से अबव का खाली ये कमोड है, सॉरी बेसन भी है, बेसन भी इतना महंगा है जितना कमोड महंगा है। इस वजह से उसको कवर लगाकर पैक कर दिया गया है ताकि कल को जब अंदर कलर हो तो उसके ऊपर कलर ना गिरे।
और सेकंड उसे कोई यूज़ भी ना कर सके। ये आप देख सकते हैं सामने की वॉल, पीछे का जो रूम है उसके ऊपर हमारे एक जानने वाले कारीगर हैं, वो वहाँ पर रेगमाल लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट फिनिश है यहाँ पर, बट जब दोबारा लापी चेक की जाती है, जो कि आप वीडियो में सामने देख सकते हैं, तो उसके बाद दोबारा से एक बार रेगमाल मारा जाता है, फिर कलर को फाइनल टच दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं घर में काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारियाँ दी गई हैं, तकरीबन ये 11 फुट की अलमारी है। तो जनाब घर में जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया। ये आप देख सकते हैं पीछे का डक और उसके साथ पीछे एक वॉशरूम, और वॉशरूम के ऊपर जो है स्टोर टाइप का बना दिया गया, यानी कि जिसे हम ठेकेदारी जबान में कहते हैं दो छत्ती। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा बाथरूम। ये जो सामने आप लोग मोटिव देख रहे हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। बेसन कमोड काफ़ी अच्छी कंपनी के यूज़ किए गए हैं इस घर में। इस घर को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि ये घर दिल से बनाया जा रहा है। इस वजह से इस घर में जो नीचे का फ्लोर है उसके ऊपर पूरा शॉपर बिछाया गया है और उसके ऊपर गत्ते बिछा दिए गए हैं, ताकि घर के ऊपर यानी कि अगर कोई चीज़ भी गिर जाती है तो वो टाइल ख़राब ना हो। अगर आप इन चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि बाद में इसके ऊपर टाइल के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेन गेट, छोटा गेट जो ऊपर की तरफ जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या चीज़ें इस वीडियो में आपको नोट करनी चाहिए थी, वो ये थी कि फर्स्ट जो उन्होंने टाइलें लगाई हुई हैं, टाइलों में उसके ऊपर बॉक्स बिछा दिए हैं। बॉक्स यानी कि जो गत्ते बने हुए हैं, गत्ते उन्होंने बिछा दिए, और गत्ते इनको ख़रीदने की जरूरत नहीं पड़ी। गत्ते जो थे जब ये टाइल लग रही थी ना, उसके ऊपर जो गत्ता चढ़ा होता है, यानी कि जो टाइल का बॉक्स होता है, वो आप नीचे बिछा दो। उससे ये होता है कि जब कलर हो रहा होता है तो जो सीढ़ी वो होती है, जिसे हम ठेकेदारी ज़बान में घोड़ी कहते हैं, जब उसको घसीटा जाता है ना, तो नीचे टाइल के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। चाहे आपकी टाइल जितनी महंगी भी हो, उसके ऊपर जब वो निशान पड़ जाता है, बाद में निशान तब दिखाई देता है जब आप लोग घर को ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके होते हो, यानी कि जब उसकी धुलाई करते हैं ना, हम लोग लास्ट हाथ मारते हैं, फाइनल कलर का कोड हो जाता है, सारा काम हो जाता है, सारी लेबर बाहर आ जाती है। जब हम उसकी धुलाई करते हैं तो बाद में वो निशान नज़र आते हैं और वो बुरे लगते हैं। सेकंड ये कि इस मकान में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अच्छी लगी है मुझे, वो ये थी कि जो कमोड और बेसन थे, इन्होंने उसको कवर से पैक कर दिया गया है। इतने महंगे बेसन पोर्टर कंपनी के, अगर आप मार्केट में जाओ तो तकरीबन आपको खाली बेसन 16,000 से ऊपर का मिलेगा। तो इन्होंने अच्छा किया, उसको पैक कर दिया शॉपर से, कॉस्टली शॉपर नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 का आएगा, 500 का आएगा शॉपर। इन्होंने अच्छा किया, उसको पैक कर दिया। थोड़ा सा खर्चा है बट बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। उसके ऊपर कलर गिर जाए तो और ख़राब हो जाता है, तो इन चीज़ों को नोट करना पड़ता है। अगर आप कहीं पर अपना घर बनवाएं तो खुदा रहा इन चीज़ों को नोट करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें जैसे ऑलरेडी आप लोग करते हुए आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।